आखिरकार एज वर्सेस ल्यून का मुकाबला डिट्टो कॉपी है ड्रेक वाले मुकाबले से। दोनों मुकाबले के अंदर अपोनेंट के फर्स्ट एंड लास्ट पोकेमोन को डिफीट किया पिकाचू ने, यानी कि ड्रेक वाले मुकाबले के अंदर फर्स्ट पोकेमोन था डिट्टो एंड लास्ट पोकेमोन था ड्रैगनाइट। वहीं ल्यून वाले मुकाबले में फर्स्ट पोकेमोन था सिंड्रेंस एंड लास्ट पोकेमोन था चाइजार्ड। और दोनों मुकाबले में एज का दूसरा सबसे पावरफुल पोकेमोन एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन था ड्रेक वाले मुकाबले में, वो था चाइजार्ड। एंड ल्यून वाले मुकाबले में वो था एज का ड्रैगनाइट। और यार दोनों मुकाबले में एक सहयोगी पोकेमोन था ड्रेक वाले मुकाबले में, वो था बल्बासोर। एंड ल्यून वाले मुकाबले में वो था सरफेस। एंड बल्बासोर ने ही सरफेस को ट्रेनिंग दी है। एंड दोनों ट्रेनर्स को अपोनेंट को अनबीटेबल चैंपियन कह के इंट्रोड्यूस कराया गया उनको और उनके पोकेमोन को, लेकिन लास्ट में एस ने उन दोनों को डिफीट कर दिया। एंड दोनों में एक और काफ़ी बड़ी कॉमन बात है कि मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं।